हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। अब आइए दोस्तों, प्रकाश के गुण को लिखेंगे। पहला गुण, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा गुण, प्रकाश किरणों के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण हो जाता है। तीसरा गुण, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम का मतलब होता है जैसे वायु, पानी, ठोस आदि। चौथा गुण,
प्रकाश हमेशा पारदर्शी माध्यम से होकर ही गमन कर सकता है। जैसे तेल, कांच, जल आदि। पांचवा गुण, प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। निर्वात का अर्थ होता है जहाँ पर कुछ ना हो, जैसे अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में ना ही गैस है, ना ही वायु है और ना ही धूल कण है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है, किसी भी वस्तु को हम क्यों देख सकते हैं? किसी वस्तु को हम इसलिए देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी नेत्रों में प्रवेश कर जाती है। हमारी नेत्रों द्वारा मस्तिष्क को एक विद्युत सिग्नल भेजा जाता है जिससे उस वस्तु के प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।